हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव प्रोसेस के बारे में, और हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर डाइजेशन स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद, आज आपसे बात कर रहा हूँ कॉमन डाइजेस्टिव और गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स के बारे में। तो प्रॉब्लम समझने से पहले हमें ये एक बार अंडरस्टैंड करना है कि नॉर्मल डाइजेशन क्या है और हमारा नॉर्मल डाइजेस्टिव कैसे काम करता है सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में कई सारे ऑर्गन्स यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं, मैस्टिकेशन जिसको बोलते हैं, वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। विच मीन्स खाना प्रॉपरली च्यू करना, उसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। वाइल च्यूइंग, ज़्यादा तेज़ नहीं, फास्ट खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फास्ट च्यूइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे मुंह में, ओरल कैविटी में जब खाना होता है, तो उस टाइम पे बाकी का सिस्टम जो है, जो हमारा फूड पाइप है या स्टोमक है, इसोफेगस है, वहाँ पे तैयारी होती है इस खाने को रिसीव करने के लिए, और डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक एसिड वगैरह, इसका सेक्रेशन शुरू होता है। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप तेज़ तेज़ खाना खाएंगे, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, तो वो नीचे रिसीविंग एरिया अभी रेडी नहीं हुआ है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आफ्टर प्रॉपर मैस्टिकेशन, या जिसको हम खाना चबाना वगैरह बोलते हैं, जब ये प्रॉपरली हो जाए, फिर खाना जाता है स्वेलो करने के बाद फूड पाइप में, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस में डाइजेशन का ज़्यादा पार्ट नहीं होता, उसका काम है केवल गले से लेके खाने को नीचे स्टोमक में लाना, तो एक कंड्यूट की तरह काम करता है। हाँ, लेकिन उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो दिक्कत आती है, उसके कुछ सिम्टम होते हैं, उसका हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद खाना पहुंचता है स्टमक में, जिसको प्रॉपर स्टमक बोलते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है, पेप्सिन होते हैं, जूसेस होते हैं, जो खाने को डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर जो च्यू करके जो खाना हमारा एक सॉलिड फूड बोलस होता है, जो अभी हम रोटी का एक निवाला खाते हैं, उसको जब चबाते हैं, तो उसका काफ़ी हद तक बाय मैस्टिकेशन उसको एक प्रोसेस किया जाता है, जिससे उसके छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं। तो स्टमक में फिर एसिड का सेक्रेशन होता है, जो पहले ही शुरू होता है जब फूड हमारे ओरल कैविटी में, मुंह में, माउथ में होता है, तो नीचे का प्रोसेस शुरू हो जाता है रिसीविंग के लिए, और डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो वो डाइजेशन प्रोसेस फिर स्टमक आगे कैरी करता है, जिसमें एसिड के द्वारा और पेप्सिन करके कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो खाने को काटते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। फिर फर्दर खाना रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके अपर पार्ट को, शुरुआती पहले पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम में कुछ तीन चार चीज़ें ऐड होती हैं खाने के साथ, जो इसको फर्दर प्रोसेसिंग और डाइजेशन के लिए रेडी करती हैं। वो पार्ट क्या है? उसमें पार्ट मेन है पैनक्रियाज का। कई बार आपने सुना होगा पैनक्रियाज का, किसी को प्रॉब्लम हुआ, पैनक्रेटाइटिस हुआ या ऐसी कोई दिक्कत हुई, उसका रीज़न होता है ये पैनक्रियाज करके एक अग्नाशय, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। पैनक्रियाज के दो काम होते हैं, एक काम होता है इंसुलिन, डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करना, और अगर डायबिटीज़ वगैरह हो तो इसका एक पार्ट होता है जिसको एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं, और एंडोक्राइन, दो पार्ट होते हैं। ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, ये इंसुलिन और डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड होता है, और जो दूसरा पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट, वो काम करता है डाइजेशन में। तो 80% ऑफ डाइजेशन जो है वो हमारा पैनक्रियाज करता है। उसमें कुछ जूसेस होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज करके, जो हमारे खाने को फर्दर काटते हैं। और इसी जगह ड्यूडेनम में हमारा गॉल ब्लैडर से बाइल आता है। तो ड्यूडेनम में खाना आया, जिसको पहले हमने चबा के छोटे छोटे पीसीस किए, फिर उसमें एसिड ने काम किया स्टमक के, और कुछ प्रोटीन, पेप्टिन वगैरह जूसेस ने, पेप्टिक जूसेस ने उसके एक्शन किया। फिर खाना पहुंचा ड्यूडेनम में, वहाँ पे बाइल
और पैनक्रियाटिक जूसेस का, इस सब का एक मिक्सचर होता है। और जिस तरह हम मिक्सी में खाने को ग्राइंड करके पतला करके सॉफ्ट करते हैं, उसी तरह ये जूसेस मिलके खाने को फर्दर ग्राइंडिंग करते हैं और इसको फिर आगे पुश कर किया जाता है थ्रू पेरिस्टाइलिस्ट, पेरिस्टाइलिसिस बोलते हैं, जैसे खाना आगे बढ़ता है और फिर डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। जो स्मॉल बाउल है, हमारा इंटेस्टाइन है, उसके दो तीन पार्ट होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो इसमें प्रोसेसेस होते हैं जहाँ खाना डाइजेस्ट होता है थ्रू इंटेस्टाइन्स वॉल। जो इंटेस्टाइन का वॉल है, म्यूकोसा है, उसमें सेल्स होते हैं, विलेय होते हैं, जो इस खाने में जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो विड्रॉ करते हैं, वहाँ से उठा के लीवर को देते हैं और लीवर उनको फर्दर फिल्ट्रेशन प्रोसेसिंग करता है, कुछ चीज़ों को अपने यहाँ स्टोर करता है, कुछ चीज़ों को सर्कुलेशन में भेजता है और फिर जो वेस्टेज है, जो जैसे एक मिक्सी में हम जूस जूस निकालने के लिए एक संतरा डालते हैं, तो एक तरफ से जूस निकलता है, एक तरफ से वेस्टेज निकलता है। इसी तरह बॉडी ने जो खाना नील खाने से जो लेना था वो लेकर वो डाइजेशन में चला गया, सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन में चला गया, लिवर की तरफ भेज दिया गया और अब इसका वेस्टेज जो है, जो फिकल मैटर है, स्टूल्स है, वो बनना प्रोसेस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलोन बोलते हैं या बड़ी आंत बोलते हैं, उसका मेन काम होता है इसको, स्टूल्स को या मोशन को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो पहले पहले ये शुरुआती उसके हिस्से में, उसके तीन चार हिस्से होते हैं, सीकम, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, ये बड़ी आंत के हिस्से हैं। इसके अलग अलग पार्ट में खाना, ये स्टूल जो है वो एब्जॉर्ब होता है और लिक्विड स्टूल का फॉर्मेशन चालू होके सॉलिडिफाई किया जाता है। सो दैट बाय द टाइम ये जो मोशन, जो स्टूल्स हमारे हैं, ये इस इंटेस्टाइन के लास्ट हिस्से में पहुंचे, जिसको रेक्टम बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं, तो ये एक सॉलिड चीज़ बन जाता है और बॉडी रेडी करती है इसको इवैक्यूएट करने के लिए। फिर जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें एक सेंसेशन मिलता है मोशन पास करने का। ये सारा प्रोसेस हो चुका है, जो हमने खाना खाया है एक दिन पहले, दो दिन पहले, वो एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो गया, सर्कुलेशन में चला गया और वेस्टेज का प्रोडक्शन साथ में शुरू हो गया। तो अब देखिए कितनी एलिगेंट फैक्ट्री है ये, जिसमें सारा सिंक्रोनाइजेशन जो ऊपर वाला गॉड हैज डन फॉर अस। दिस इज हाउ नॉर्मल प्रॉपर डाइजेशन वर्क्स। अब प्रॉब्लम है, जो हमारा डिस्कशन का काम आज है, टॉपिक है कि कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्या है। तो बट नेचुरल है, कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यही है, जिस जगह पे प्रॉब्लम आएगा उस जगह के अपने सिम्टम होंगे और वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा, तब हम बोलते हैं कि डाइजेशन में इश्यूज है, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा। विच मीन्स फूड पाइप, इसोफेगस में अगर कोई इश्यू आ गया, स्टोमक में जहाँ एसिड वगैरह हमारा रहता है उसमें कोई इश्यू आ गया, पैनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में इशू है, या इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में इशू है, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं पे प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, वो एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, फिल्ट्रेशन में है, या लीवर को कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ चीज़ें स्टोरेज करनी है, तो किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम अगर आएगी तो हम ये बोलेंगे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम है। ये सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले इसको ठीक कैसे रखा जाए, जैसे मैंने कहा प्रॉपर खाना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर खाना है, मतलब ऑयली फ्राइड चीज़ें नहीं, स्पाइसी चीज़ें कम रखनी है खाने में, फैटी चीज़ें कम रखनी है, मैदे की चीज़ें कम रखनी है, जंक फूड कम रखना है, प्रॉपर टाइम देना खाने के लिए, हरी में फटाफट फटाफट बैठ के 2 मिनट में जी खाना खा लिया, बाकी आप मूवी 3 घंटा देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे 3-4 घंटे आराम से लगाएंगे, लेकिन खाना फटाफट खाना है। जबकि खाने से ही हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, जैसे एक गाड़ी पेट्रोल से चलती है, हमारा शरीर खाने से चलता है। अगर आप 2 दिन खाना ना खाएं, कोई 1 दिन 2 दिन खाना ना खाए तो उठ भी नहीं सकता, बोलते यार हिम्मत ही नहीं है, बाथरूम तक जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि कुछ खाया नहीं है। तो इस खाने को पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव ऑर्गन पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर नरिशमेंट हमें बॉडी को मिलेगी, प्रॉपर खाना मिलेगा, तो सारे ऑर्गन प्रॉपर काम करेंगे, हार्ट को जो चाहिए, लीवर को, आँखों को जो चाहिए हमारे खाने से, जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट फाइनली होता है, सर्कुलेट होता है, वो इसी खाने से निकलता है। सो फूड जो आप खाते हैं उसको प्रॉपर चूज करना है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, लीव्स, सलाद्स और जितना जितना बॉयल बॉयल्ड खा सकते हैं उतना अच्छा है।
प्रोसेस्ड फूड जो होता है, कैन्स में जो आता है, जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ आता है, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें एक तो वो फ्रेशनेस नहीं रहती है और फर्दर कुछ टॉक्सिन्स वगैरह रहते हैं। तो जितना फ्रेश, जैसे लोग कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब जूस कौन सा पिए, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपके सिस्टम से, अगर आपके दांत अच्छे हैं, तो आप जूस क्यों पी रहे हैं? आप प्रॉपर फ्रूट खाइए ना पूरा। अगर फ्रूट खाएंगे तो वो जूस तो मिल ही रहा है, साथ में आपको फाइबर भी मिल रहा है और बाकी विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है, डाइजेस्टिव में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप सॉलिड फूड नहीं खा सकते, तब तो ठीक है, आप जूस वगैरह लीजिए, लेकिन प्रेफरेबली ट्राई कीजिए फ्रूट खाना, क्योंकि फ्रूट एक होलसम है, उसमें सब कुछ है। अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं, ताकि जो हम उनका जो खाना देते हैं डाइजेशन के लिए, जो हम मुंह से खाते हैं, वो सही खाना हो, तो ऑर्गन्स भी ठीक ठीक चलेंगे। फिर खाना खाना ओवरफिल स्टमक को नहीं करना चाहिए, थोड़ा टू थर्ड ऑफ स्टमक फुल करना ठीक है, उसके आगे ओवरफिल करने से फिर रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स मीन्स जो कई बार मरीज बोलते हैं जी गैस बन रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, एसिड हो रहा है, उसका रीज़न होता है ये खाना जो हम ओवरफिल कर रहे हैं, तो हमारा फूड पाइप के नीचे एक वेल्व होता है जिसको स्फिंटर बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंटर, वो वीक होने के कारण ये खाना फिर वापस फूड पाइप में आता है, जिससे हम बोलते हैं जी सीने में जलन हो रही है। तो अक्सर मरीजों की कंप्लेंट होती है, सर सीने में जलन है, एसिड बन रहा है, दवाई भी ली, कभी बंद ली, कभी कुछ प्रोपेंट्रोजोल खा लिया, कभी फेमोसिलिट खा लिया, रेंटेडिन खा लिया, तो उसका क्या करना है? उसके लिए वही प्रॉपर खाना पीना, टी, कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी चीज़ें ये अवॉइड करनी है, और ओवरफिल स्टमक नहीं करना है, और खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, कम से कम 1-1.5-2 घंटे का गैप रखना है खाने के बाद, क्योंकि उसमें फिर रिफ्लक्स होता है। जब रिफ्लक्स काफ़ी लंबा होता है, तो उस हमारे फूड पाइप में कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो फूड पाइप का जो म्यूकोसा जो लाइनिंग है, वो एक प्रकार की होती है, और स्टमक में एसिड जहाँ नेचुरली रखा है नेचर ने, उसकी लाइनिंग अलग होती है। सो विद द रिजल्ट, जब ये एसिड फूड पाइप में आता है, तो लाइनिंग ख़राब होने से उसमें चेंजेस आते हैं, जिसको इसोफेजाइटिस बोलते हैं, मतलब उसका म्यूकोसा बदल गया, उसमें स्वेलिंग आ गई, जैसे टॉन्सिल में टॉन्सिलाइटिस होता है, जोड़ों में प्रॉब्लम आने से आर्थराइटिस होता है, इसी तरह फूड पाइप में जब ये एसिड काफ़ी देर आता रहता है, तो इसको इसोफेजाइटिस बोलते हैं। अगर ये इसोफेजाइटिस ऐसे ही चलता रहा, इलाज नहीं पहुंचा, डायग्नोसिस नहीं पहुंचा, तो उसमें फर्दर डैमेज होता है, जिसके कारण वहाँ पे बैरेट्स इसोफेगस करके कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जिसमें आगे जाके मेजर प्रॉब्लम कैंसर टाइप का दिक्कत हो सकता है, या फूड पाइप में नैरोइंग हो जाती है, स्ट्रिक्चर बनता है, जिसका डायरेक्ट रीजन, जो डायरेक्ट उसका इम्प्लीकेशन होता है, वो ये है कि मरीज बोलता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो अटक रहा है, वो फूड पाइप में रुक रहा है, हमें लग रहा है खाना यहाँ पे रुक रहा है, फिर हम पानी वगैरह पी के उसको पुश करते हैं नीचे, इसको डिसफेजिया बोलते हैं। तो डिसफेजिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिसफेजिया का मतलब है कि आपका फूड पाइप में कहीं पर रास्ता टाइट हो गया है, या तो सिकुड़ गई है फूड पाइप, या कोई ट्यूमर या कुछ प्रॉब्लम आ गई है अंदर, जिसके लिए टेस्टिंग, मतलब एंडोस्कोपी करके एक बेसिक सा टेस्ट होता है, जिसमें मुंह के रास्ते से कैमरा डाल के अंदर देखते हैं कि ये खाना कहाँ पे रुक रहा है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, फूड पाइप का जो लक्षण है वो यही है, सीने में जलन, एसिड, रिफ्लक्स, खाना मुंह में आना, या जब ये अनट्रीटेड रहा तो खाना अटकना और उसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होना। उसके बाद एक स्टेप नीचे उतरते हैं, तो नीचे स्टमक होता है, जिसको पेट की थैली बोलते हैं, उसके जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसी से जुड़े हैं। क्या होता है उसमें? अल्सर बनता है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं या ड्यूओडेनल अल्सर बोलते हैं। उसका रीज़न होता है एक्सेसिव एसिड बनना। वो एसिड क्यों बनता है? क्योंकि हमारा खाना पीना ठीक नहीं होता, या कोई हम पेन मेडिकेशन, दर्द की गोली खाते हैं, जिनको पेन किलर्स बोलते हैं, वो स्टोमक में डैमेज करते हैं, या एस्प्रिन करके हार्ट की एक गोली है छोटी सी, काफ़ी लोग खाते हैं, वो भी वहाँ पे वो अल्सर टाइप कर सकता है, या कई बार और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ट्यूमर्स वगैरह हैं, जो ये गैस्ट्रिक अल्सर्स करते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर का सिम्टम वही है कि पेट में दर्द, जहाँ हमारी ये
सीने की जो जो चेस्ट बोन है ऊपर वाली, जहाँ जहाँ ये ख़त्म होती है वहाँ पे, उसको एपिगैस्ट्रिक एरिया बोलते हैं, स्टोमक का एरिया होता है वो, वहाँ पे पेन होता है। और ये पेन फिर चलता रहता चलता रहता, इसमें हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, कभी कम कभी ज़्यादा, ये लगा रहता है। तो कई बार मरीज़ कुछ इनो पी के उसको ठीक करता है, कभी डाइजिन पी के ठीक करता है, कभी खाना खा के, कभी खाली पेट रखे, कभी पर समझ में भी नहीं आता है मरीज़ को कि क्या करें। जब हम पूछते हैं भी कि आपका ये पेन कैसे कम होता है, आप कुछ खाने से इसको कम करते हैं या खाली पेट, तो मरीज़ कई बार बता भी नहीं पाता कि सर ये तो समझ नहीं आ रहा, कभी खाने से भी होता है, कभी खाली पेट भी होता है, और जलन एसिड भी बना रहता है, इनों से कभी रिलीफ मिलता है कभी नहीं मिलता। तो अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, मतलब चलो 2 4 दिन, हफ्ता 10 दिन आपने कुछ खाया शादी में, बाहर बाहर खाया, या कुछ हेवी टाइप खाना खा लिया, और ये जलन वलन हो गई हफ्ता भर, ओके ठीक हो गया तो फाइन है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो खाने पीने से कई बार गैस्ट्राइटिस वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है, 4 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते हो गए, महीना, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, फिर प्रॉपर परामर्श की जरूरत पड़ती है, कहीं अंदर अल्सर टाइप कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रहा है। तो ये इसके लिए प्रोटेक्शन, तो प्रिवेंशन तो वही है कि हमें टी, कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल, हेवी चीज़ें, पेन की दवाइयाँ, ये सब नहीं लेनी चाहिए। और कॉमन अगर दिक्कत डे टू डे, जैसे मैंने कहा टेम्प्रेरी वाला प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल डाइजिन वगैरह आप पीते हैं तो ठीक है, वो उससे ठीक होता तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा होता, प्रोलोंगेशन हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, तो इसमें फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है, एंडोस्कोपी का टेस्ट अगेन इसमें होता है। अगर इसको इग्नोर हम करते हैं, मान लीजिए अल्सर बन गया है, एसिड जलन वलन काफ़ी देर चलता रहा, आपने कुछ किया नहीं, कभी कुछ इनो विनो खा के चलाते रहे, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें भी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। ये अल्सर जो होता है, अल्सर हम बोलते हैं जब एक म्यूकस का कवरिंग जब वो उठ जाता है, जैसे हमारा स्किन है यहाँ हाथ में, इसको कोई चाकू से थोड़ा ऐसे खड्डा कर दे, उसको गड्ढा कर देता है, इसी तरह अंदर ये अल्सर में फिर खून की नस कभी खुल जाती है अल्सर के बेस पे, और ब्लड की वॉमिटिंग होती है जिसको जीआई ब्लीड बोलते हैं, या काली लैटन होती है जिसको ब्लैक मोशन बोलते हैं। तो ये इस अल्सर का एक कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग होना, खून की उल्टी आना। तो अचानक रात में, दिन में मरीज़ परेशान होकर हॉस्पिटल आता है एमरजेंसी में कि खून की उल्टी आ गई और लैटरिन काली हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो इस अल्सर को इसलिए इग्नोर करना ठीक नहीं है। कभी कभी ये अल्सर परफोरेट बोलते हैं उसको, जहाँ पे आंत में छेद भी हो सकता है, जो आज से कई साल पहले, 15 20 25 साल पहले, जब ये एसिड की दवाइयाँ उतनी अवेलेबल नहीं होती थी, ये जो पेंटाप्रोजोल वगैरह हम खाते हैं, ये बहुत पहले नहीं थे, उस टाइम पे ये सर्जरीज बहुत कॉमन होती थी, जिसको अल्सर परफोरेशन बोलते हैं, जब ये आंत पे छेद कर देते थे अल्सर। तो इसमें परफोरेशन, ब्लीडिंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और कभी कभी ये अल्सर ख़राब भी होते हैं, जिसको मैलिग्नेंट या ट्यूमर टाइप बोलते हैं, उसके अल्सर भी होते हैं, उनका भी सिम्टम यही होता है, जलन, एसिड और कभी कभी ब्लीडिंग हो गई। तो ये स्टमक के इश्यूज हैं। उसके बाद जब हम और नीचे जाते हैं तो पैनक्रियाज के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, पैनक्रियाज में स्वेलिंग आना। तो पैनक्रियाज की स्वेलिंग, ये जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें अचानक पेट में दर्द उठता है, और सीवियर बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो पेन बिल्कुल सामने पेट से पीछे पीठ में, कमर में चला जाता है, और जलन होती है, और मरीज़ कुछ खा नहीं सकता, उल्टियाँ होती हैं, और हमें और मरीज़ को हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना पड़ता है, इतना तीव्र पेन होता है। अब कभी कभी ना मरीज़ इस पेन को भी इग्नोर करता है, और उसको लगता है कि गैस है। तो आप ये समझ लीजिए ज़रूरी चीज़, कि हर एक पेन को, हर एक पेट के सिम्टम को गैस नहीं समझना चाहिए। कई बार मरीज़ हार्ट अटैक को भी गैस समझते हैं। जैसे हार्ट अटैक में कभी कभी क्या होता है, यहाँ सीने में हीवीनेस होती है, हीवीनेस होती है, भारीपन होता है, और अक्सर ये खाना वाना हीवी खाया रात को होता है, उस टाइम पे मरीज़ को लगता है कि ये मेरे गैस बनने से, यहाँ खाने से गैस बन गई है। वही चीज़ है, अगर आप कुछ इनो विनो लेके ठीक होता तो ठीक है, वरना आपको इसके लिए इमिजिएट कंसल्टेशन कराना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी हार्ट के प्रॉब्लम को, हार्ट अटैक को भी गैस समझता है, पैनक्रियाज के प्रॉब्लम को गैस समझता है। तो कोई ऐसा पेन जो ज़्यादा तेज़ है, सीवियर है, उल्टी के साथ आ रहा है, परेशानी हो रही है, पसीना छूट रहा है,
आप नब्ज पे हाथ रखेंगे कि पल्स तेज भाग रहा है, बीपी चेक करेंगे बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कोई ऐसा पेन यदि आपको होता है तो इसको गैस नहीं समझिए। कई बार मरीज हमारे पास आता है, जब हम फिर ये सब सिम्टम चेक करके जब उनको लिटाते हैं, पेट चेक करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं इसमें टेंडरनेस है या सूजन है, और हम एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड, तो कई बार मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो गैस ही है, आप गैस का दवा दे दीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा गैस नहीं होता है। तो गैस को आप बहुत ज़्यादा ओवर डायग्नोज नहीं कीजिए कि ये सब गैस है, ये सब गैस है। तो पैनक्रियाज के हम बात कर रहे थे, पैनक्रियाटाइटिस के कारण होते हैं। क्यों होता है पैनक्रियाटाइटिस? क्योंकि इसका जो मेन कॉज है वो है अल्कोहल। अल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस 50-60% कॉज वही होता है। उसके बाद पैनक्रियाज की बीमारियां होती हैं, उनको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं या क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, जहाँ पैनक्रियाज सूखता है, सिकुड़ जाता है, उसके डाइजेस्टिव जूसेस खत्म हो जाते हैं, इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और डायबिटीज बढ़ जाता है, हाजमे में प्रॉब्लम होती है, या कई बार पैनक्रियाज का ट्यूमर अगर आए जिसको पैनक्रियाटिक कैंसर बोलते हैं, वो भी पैनक्रियाज को वीक कर देता है, पैनक्रियाज के सिम्टम देता है। तो पैनक्रियाज के सिम्टम को भी ऐसा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं कभी कभी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस करके कुछ जो उसकी स्वेलिंग होती है, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। तो वही बात मैं दोबारा कहता हूँ कि एक हर एक चीज़ को गैस नहीं समझिए। कोई भी पेन है, सीवियर है, ज़्यादा है, और रूटीन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, और दो दो घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, एक दिन निकल गया, उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रही है, पेन कम नहीं हो रहा है, तो बेटर है आप स्पेशलिस्ट को दिखाइए। फिर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है, उसका सिम्टम भी वैसे ही होता है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट में फुलाव सा लगता है कि पेट फूल रहा है, हेवीनेस लग रही है, लग रहा है एसिड सा बन रहा है, उसका रीज़न होता है कि गॉल ब्लैडर को अपना फंक्शन जब करना है, जब बाइल सिक्रीट करना है, और उसमें स्टोन है, तो वो दिक्कत देता है, उसको बिलियरी कोलिक टाइप बोलते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर के सिम्टम होते हैं। इसके बाद डाइजेशन में फर्दर इंटेस्टाइंस का काम होता है। इंटेस्टाइंस में कभी कभी अंदर छाले बनते हैं जिसमें ब्लीडिंग है, लैट्रिन में ब्लड आता है, या पेट में दर्द होता है, या कभी क्रॉनिक डायरिया जिसको बोलते हैं कि कई महीनों से, साल 2 साल से दस्त नहीं रुक रहे। तो दस्त अगर आपका 4-6 हफ्ते के आगे निकल रहा है लूज मोशन, और आपको रात में उठना पड़ रहा है, वेट कम हो रहा है, और वीकनेस आ रही है बॉडी में, पेन आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है लैटरिन में, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए। ये आपके इंटेस्टाइन्स की बीमारी है, जिसमें कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज वगैरह करके कुछ बीमारियां हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो वही नॉर्मल डाइट, खाना पीना तो वो तो करना ही है, साथ में ऐसा कोई लक्षण आए तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना, परामर्श करना, किसी को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर पे करें। ओके, तो आई थिंक अभी बीच में कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड फिर हम अपना विल कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स। तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है कि राजीव शर्मा जी पूछ रहे हैं, क्या कोविड हमारे पेट को इन्वॉल्व करता है क्या? हेलो राजीव जी, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। डेफिनेटली कोविड तो पेट को इन्वॉल्व करता ही है। जो कोविड जो मेरा मैंने एक वीडियो भी पहले पीछे बनाया था, आज थिंक कुछ महीना भर पहले, जिसमें जो आई थिंक यूट्यूब पे था, जिसमें हमने सिर्फ कोविड और डाइजेशन के बारे में बात की थी। तो ये आप समझिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोविड के जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेल जो हमारे लंग्स में हैं, जो जहाँ पे जाके कोविड का वायरस बैठता है, जितने सेल हमारे लंग्स में हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो सेल हमारे इंटेस्टाइन्स में हैं। तो डेफिनेटली वो तो इंटेस्टाइन्स को, हमारे बाउल को, डाइजेशन को तो इन्वॉल्व करता ही है। लेकिन उसको हम मेजर क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अक्सर उसका सिम्टम होता है पेट दर्द या लूज मोशन। तो लूज मोशन कोई व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी प्रॉब्लम नहीं माना जाता, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर लंग्स में ऑक्सीजन कम हो जाता है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है,
तो वो ज़्यादा इमरजेंट सिम्टम माना जाता है, इसलिए हमारा ध्यान लंग्स की तरफ जाता है। लेकिन अगर आपको ये आई वुड लाइक टू टेल यू कि 30% ऑफ लोगों में तो कोविड, जिनको कोविड होता है, 30% ऑफ पीपल हैव GI सिम्टम्स ऑल्सो। तो यस, डेफिनेटली इट डज इन्वॉल्व कोविड। ये हटाना। तो अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रियंका सिंह। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर गट इन समर? मोर वाटर एंड लेस फूड इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इंडिकेशन। मैंने ऑलरेडी बताया कि ओवरऑल ही हेल्दी खाना खाना चाहिए, समर हो या विंटर हो। आउटसाइड फूड, जंक फूड, ये सब यू हैव टू अवॉइड। नाउ स्पेशली समर में क्या होता है, समर्स में बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन होता है, वायरल मल्टीप्लीकेशन होता है पानी में, जो पानी बाहर पड़ा रहता है या गंदा रहता है या साफ नहीं रहता, और इन वायरसेस और बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट मिलता है मल्टीप्लाई करने के लिए। इसलिए समर्स में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का अगर खाना है ओपन है, कवर्ड नहीं है या बॉयल्ड नहीं है या पका हुआ नहीं है, जैसे सलाद टाइप होता है या जूसेस मिलते हैं ओपन जूसेस, उसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज वी डोंट नो उसमें क्लीनिंग कैसे हुई है। हैंड, अब हमने कोविड में देखा हमने कितना हैंड वॉश किया कोविड में, सैनिटाइजर खत्म हो गए मार्केट में हैंड वॉश करते करते। तो कोविड ने ये तो हमें बता दिया, सिखा दिया कि हैंड वॉश कितना ज़रूरी है। अब जब हम बाहर कहीं ठेले पे या इस ऐसी जगह पे खाते हैं जहाँ आप देखेंगे हैंड वॉश तो है ही नहीं कुछ, यूटेंसिल्स का भी वॉश कैसे होता है, वो एक टब में पानी रखे उसी में प्लेट्स डाल के निकालते, कप डाल के निकालते हैं, तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, हाइजीन नहीं है। तो ऐसी जगह पे खाना अवॉइड करना चाहिए जहाँ आपको लग रहा है कि हाइजीन मेंटेन नहीं है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी जगह पे बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन। और जब वो हम खाते हैं तो टाइफाइड वगैरह, हिपेटाइटिस, ये सब बैक्टीरिया वायरसेस हमारे स्टमक में आके मल्टीप्लाई करके लीवर वगैरह में जाके, इंटेस्टाइन में जाके, फूड पॉइजनिंग, लूज मोशंस, वोमिटिंग, जॉन्डिस, पेट दर्द, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो दिस इज़ वॉट इज़ फॉर समर। तो अगला सवाल है एसिडिटी के बारे में। तो एसिडिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, और अगर ज़्यादा एसिडिटी है तो वी शुड सीक मेडिकल अटेंशन, अवॉइड पेन किलर्स, और एस्प्रिन वगैरह की टैबलेट कभी कभी प्रॉब्लम करती है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर खाना टाइम पे खाना, स्पाइसी ऑयली फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ वॉट वी कैन डू फॉर नॉर्मल एसिडिटी। और इन केस ये फिर भी रहती है तो देन वी हैव टू डू सम फर्दर टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स पूछा गया है। देर इज अ क्वेश्चन कि स्मोकिंग के क्या हार्मफुल है। स्मोकिंग तो ओवरऑल इज बैड फॉर आवर होल बॉडी, सिर से पैर तक। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो पूरी बॉडी में है, स्पेशली स्टमक में एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, पेट में डाइजेशन में प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें स्मोकिंग से होती हैं। तो स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ ओवरऑल एंड इक्वली बैड फॉर आवर स्टमक ऑल्सो। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन के बारे में एक क्वेश्चन है, वट कैन वी डू टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम हेपेटाइटिस ए? हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है वैक्सीन। तो जब भी आजकल करंट जो वैक्सीन का जो शेड्यूल है, जितने भी बच्चे बेबीज बॉर्न होते हैं उनको तो एट बर्थ वैक्सीन लग जाता है, और इन केस नहीं लगा है बच्चों में तो इट इज़ प्रेफरेबल कि बच्चों को वैक्सीन लगाया जाए। और दूसरा है, जैसे मैंने अभी कहा, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, इसको अवॉइड कीजिए। हैंड हाइजीन रखिए, प्रॉपर जो भी घर में खाना आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, उसको प्रॉपर वॉश करना ज़रूरी है, और बॉईल करके खाइए। और जो भी अनकवर्ड फूड है, बाहर का ठेले का टाइप का फूड, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये वायरस हेपेटाइटिस ए जो है ये फूड बॉर्न वायरस है, ये हमारे पेट में खाने पीने के ज़रिए आता है।
अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एनएफएल जिसको बोलते हैं. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, जिसमें हमारे लिवर में एक्सेसिव फैट के कारण डैमेज हो जाता है. इन केस आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. तो मीन वाइल फैटी लिवर नेफल्ड, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक्सेसिव फैट के कारण लिवर में एक्सेसिव फैट जब आता है तो लिवर के साथ रिएक्शन करता है नॉर्मल सेल के साथ. उस प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन लिवर में होती है, फाइब्रोसिस करके कुछ प्रॉब्लम और स्कारिंग, मतलब लिवर स्टिफ होता है, हार्ड होता है और फाइनली सिरोसिस में चला जाता है. इसका रीज़न होता है लाइफस्टाइल, जिसमें खाना पीना ठीक नहीं है और एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल मिनिमल या ज़ीरो है. तो डाइटरी मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, लेस ऑयल, लो फैट, लेस कैलोरीज, लेस शुगर और ज़्यादा बॉइल्ड फ्रेश थिंग्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, लेस प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, लो कैलोरी डाइट ये आपको लेना है. मतलब वेट लॉस करना है. जब आप बॉडी का वेट कम करेंगे तो आपके लिवर का फैट भी कम हो जाएगा और आपका फैटी लिवर ठीक भी हो सकता है. फर्दर इसके लिए कुछ टेस्टिंग करनी पड़ती है कि हमारा फैटी लिवर कितना है, कम है, ज़्यादा है. फैटी लिवर से लिवर में कितना डैमेज हुआ है उसके लिए फाइब्रो स्कैन करके एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह. तो उसका क्लासिफाई स्टेजिंग किया जाता है किस प्रकार का फैटी लिवर है. कुछ फैटी लिवर नॉर्मल टाइप होता है जिसमें खाना पीना और एक्सरसाइज वेट कंट्रोल से ही काम चल जाता है, और कुछ फैटी लिवर ऐसे होते हैं जिसमें हमें आगे फर्दर दवाई की ज़रूरत पड़ती है. तो ये तो था फैटी लिवर के बारे में. अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है, क्वेश्चन पूछा गया है अल्कोहल से क्या होता है. अल्कोहल से तो लिवर डैमेज होता है और ये साइलेंट डिजीज है, कई साल तक इसमें कोई लक्षण नहीं होता और लक्षण आता है बहुत बाद में जब लिवर 70% 80% डैमेज हो गया होता है. फिर जॉन्डिस आता है, आंखों में पीलापन आता है, पेट फूलता है, पेट में पानी भरता है, खून की उल्टी आती है, हाजमा खत्म होता है, हो जाता है, काली लैट्रिन होती है, ब्लीडिंग होती है. ये सब लक्षण है एडवांस्ड लिवर डैमेज के बारे में जो अल्कोहल से होता है, और यही फैटी लिवर से भी होता है. और इसमें और कारण होते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी. सो हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंशन के लिए आपको वैक्सीन लगाना चाहिए. अगर अब तक आपने नहीं लगाया तो प्लीज़ गो अहेड, अपना वैक्सीन लगाइए हेपेटाइटिस बी और सी. हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, सी का वैक्सीन नहीं है, बी का है. उसके 3 डोजेज लगते हैं, 0, 1 और 6 करके. आज पहला डोज लगाना है, फिर 1 महीने बाद लगाना है, फिर 6 महीने बाद लगाना है, और आप हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्ट हो सकते हैं. हेपेटाइटिस बी भी एक मेजर कारण है सिरोसिस ऑफ लिवर या लिवर डैमेज होने का. इसी प्रकार हेपेटाइटिस सी भी एक मेजर कारण है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है. उसमें प्रिवेंट बी और सी को प्रिवेंशन में और जो तरीके हैं उसको बोलते हैं सेफ नीडल प्रैक्टिस. मतलब आप जब भी कभी सुई कहीं इंजेक्शन लगवाते हैं, ग्लूकोज लगवाते हैं, या कोई सर्जरी, टूथ एक्सट्रैक्शन, इवन वो कान में बाली लगाने के लिए जो छेद वगैरह करते हैं, टैटूइंग करते हैं स्किन पे, आप कुछ फोटो फ्लावर्स वगैरह नाम लिखते हैं किसी का, तो जब भी ये करें उस टाइम पे आपको देखना चाहिए कि वो जो भी नीडल यूज़ हो रहा है वो स्टरलाइज होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कंटेमिनेटेड नीडल्स के थ्रू, कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आता है. जहाँ पर एक व्यक्ति का हेपेटाइटिस बी या सी उसके ब्लड में से निकल के उस नीडल पे लगता है, और वो नीडल जब दूसरा व्यक्ति हेल्दी यूज़ करता है तो उसके अंदर चला जाता है. इवन कई बार अब तो वैसे उतना यूज़ नहीं होता, पहले एक बार्बर की, नाई की शॉप पर भी जब आप जाते थे तो वो कॉमन ब्लेड एक यूज़ करते थे, सबके ऊपर वही ब्लेड यूज़ करते थे, या उस तरह जिसको बोलते थे वही एक वो मशीन पे तेज़ कर करके उसको फिर आगे एक से दूसरे तीसरे चौथे को लगाते थे. लेकिन अब ओवर फ्यू ईयर्स अब ये देखा गया है कि अब लोगों को भी अवेयरनेस है और उनको भी अवेयरनेस है कि ब्लेड कॉमन, क्योंकि अगर एक ब्लेड से किसी को कट लग गया और वो ब्लेड पे ब्लड आ गया उस व्यक्ति का, और उसका हेपेटाइटिस बी या सी था, तो वो उस ब्लेड पे रहा, उस ब्लड में रहा, क्लॉट हो गया, वो वहीं पे लाइव रहता है, और जब वो ब्लेड दूसरे पे यूज़ होता है और उस पे कट लगता है
तो उसके अंदर वो वायरस चला जाता है। तो ऐसे कई सारे मरीज हमारे पास आते हैं अभी भी जिनके अंदर ये वायरस 10 10 15 15 साल से साइलेंट रहा है और उसने सिम्टम नहीं दिया था। और अभी अगर हम उनसे पूछें कि आपने रिसेंटली कोई सुई लगाई, ग्लूकोज लगाया, कुछ प्रोसीजर किया, तो वो मना करते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो कहते हैं हाँ पहले हम जाते थे नाई के पास, शेव बनाते थे या ऐसा कुछ करते थे, तो हो सकता है। सो दे वो भी एक रीज़न है। सो सेफ नीडल प्रैक्टिस और वैक्सीन, ये दो पिलर्स है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। और फर्दर बीच बीच में इसका टेस्टिंग भी करना चाहिए, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करना चाहिए। बाई चांस आपके अंदर है तो नहीं, बहुत सिंपल सा टेस्ट है और जगह जगह अवेलेबल है। मिस्टर सैफी पूछ रहे हैं गैस रिलेटेड प्रॉब्लम। गैस का मैंने कहा ना, गैस के ऊपर हमने तो काफ़ी शुरू में ही डिस्कस किया कि हर एक चीज़ गैस नहीं होता, कभी कभी मेजर प्रॉब्लम है उसको भी हम गैस समझते हैं। और अगर नॉर्मल गैस है उसके लिए वही प्रॉपर खाना, खाने में गैप जितना मतलब ज़्यादा तुरंत खाना नहीं खाना, ज़्यादा भर के नहीं खाना, जंक फूड अवॉइड करना और टी कॉफ़ी स्मोकिंग अल्कोहल इसको अवॉइड करना और प्रॉपर प्रॉपर हेल्दी खाना, ऑयली वगैरह सब अवॉइड करना। ये रूटीन चीज़ें हैं जो गैस को या एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन केस ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो ये नॉर्मल गैस ना होके कई बार और भी चीज़ें हो सकती हैं जो व्यक्ति हमेशा गैस समझता है, तो उसके लिए प्रॉपर परामर्श करके कुछ टेस्ट करके वो बेटर रहेगा, हम आगे बढ़े। हीट वेव गैस्ट्राइटिस, एज सच हीट वेव गैस्ट्राइटिस मतलब वही है, आप ज़्यादा हेवी टेम्परेचर से बचिए और पानी की मात्रा, हाइड्रेशन, मतलब ये मोस्टली हीट वेव की बात कर रहे हैं, हीट वेव से खुद को कैसे बचा जाए, तो एक्सेसिव सनलाइट से बचिए, जहाँ पे ओपन सन हो वहाँ काम करने से बचिए, शेड में कहीं पे अगर पॉसिबल है वहाँ काम कीजिए। और हाइड्रेशन बॉडी का प्रॉपर रखिए, प्रॉपर कैलोरीज, प्रॉपर खाना खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। आप देखेंगे जैसे ही समर आता है तो नेचर ने वाटरमेलन्स मेलन्स ये सब चीज़ें रखे हैं जिसमें जूस ज़्यादा होता है, ये सब विंटर में नहीं होता है, तो नेचर हैज़ डन इट्स ओन, वो सब कर रहा है अपने तरीके से। समर में समर फ्रूट्स रखे हैं, तो दिस इज़ वॉट एनर्जी वाला, ग्लूकोज का पानी पीते रहिए बीच बीच में, अपना बॉडी का हाइड्रेशन सही रखिए। खाना पीना ऐसा ना हो आप खाली पेट निकले घर से और एक्सेसिव धूप में काम कर रहे हैं, 45 डिग्रीज का टेम्परेचर है तो हीट स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा है। तो बॉडी का नरिशमेंट, प्रॉपर फूड, प्रॉपर टाइम पे खाना, सुबह उठ के योगा, कुछ एक्सरसाइज करना और एक्सेसिव हीट से बचना, यही नॉर्मल तरीके जिससे हम एक्सेसिव हीट वेव से बच सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चन है क्या? रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग के कारण क्या है? रेक्टल ब्लीडिंग मतलब लैट्रिन में ब्लड आता है। तो शुरू में हमने इसके बारे में थोड़ा बात की थी कि कोलाइटिस करके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ब्लड आता है लैट्रिन में, अल्सरेटिव कोलाइटिस, छाले बनते हैं। तो लैट्रिन में ब्लड आने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो कारण है सिंपल, जिसको पाइल्स, हेमोराइड्स वगैरह बोलते हैं या मस्से बोलते हैं, उसका कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने के कारण प्रेशर लगाते हैं हम मोशन के लिए, और जब प्रेशर लगाते हैं, एक्सेसिव प्रेशर लगाते हैं, तो वहाँ पर कुछ खून की नसें फूलना शुरू होती हैं जिसको हेमोराइड्स बोलते हैं। कॉमन कॉज तो वही होता है एक ब्लीडिंग का। उसके बाद फिशर्स वगैरह, जब ज़्यादा हार्ड स्टूल हमने किया, लैट्रिन ज़्यादा प्रेशर लगाया और वो सख्त होकर निकली तो लैट्रिन की जगह छिल जाती है, जिसको फिशर बोलते हैं। उसके आगे कुछ कारण होते हैं अल्सर, जिसको रेक्टल अल्सर्स बोलते हैं, छाले बनना, या कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस करके बीमारियाँ जिसमें आंतों में छाले बनते हैं और कई साल, 2 साल 3 साल तक वो ब्लीडिंग ऑफ एंड ऑन आती रहती है, जाती रहती है, मरीज़ भी परेशान घूमते हैं। कई बार उनको हेमोराइड्स का ट्रीटमेंट मिलता है, कई बार उनको अमीबियसिस का ट्रीटमेंट मिलता है, कभी मरीज़ खुद भी मेट्रोजिल टैबलेट खाता है लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो यदि आपकी ब्लीडिंग 2 3 4 6 महीने चलती रही, साथ में लूज मोशन भी हो रहा है, वेट गिर रहा है बॉडी का और दर्द हो रहा है, डाइजेशन आपका ठीक नहीं हो रहा, तो कई बार इसका कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस करके या क्रोन्स डिजीज करके कुछ बीमारी होती है, जिसमें लैट्रिन के रास्ते से वो कैमरा डाल के कोलोनोस्कोपी करके चेक किया जाता है कि अंदर किस प्रकार की प्रॉब्लम है। कभी कभी ट्यूमर, जिसको कैंसर टाइप प्रॉब्लम बोलते हैं, गांठें होती है अंदर, वो भी ब्लड छोड़ती हैं। इसलिए अगर काफ़ी टाइम हो गया और ज़्यादा काफ़ी सिम्टम आ रहे हैं बाकी शरीर में,
तो इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है, प्रॉपर परामर्श करके ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चंस, और इन केस और कुछ क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, हम बाद में भी इसका आंसर आपको देते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आपका समय, आप सबने अपना कीमती समय निकाला इस फेसबुक लाइव के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और आप इसका ऑफलाइन वीडियो भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में, थैंक यू वेरी मच।